नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हुआ हूँ। आज का लोकेशन है बुद्धेश्वर मंदिर। आज चलेंगे हम लोग बुद्धेश्वर मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। ये बुद्धेश्वर का मंदिर आलम नगर स्टेशन के आगे मोहान के बीच में बसाया गया है। ये मंदिर भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो सभी श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। आगे चलते हैं, इस मंदिर का दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये रोड रायबरेली की ओर जाता है, आशियाना की भी तरफ जाता है और आलम बाग नहरिया की तरफ भी जाता है। तो हम लोग निकलेंगे आलम बाग नहरिया की तरफ, जो हमें बुद्ध सुरंग मंदिर की ओर पहुँचाएगा। दोस्तों, ये आलम बाग नहरिया की चौराहा पे हम लोग पहुँच रहे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का गेट। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर ही बनाया गया है, जो काशी राम स्मारक के नाम से चौराहा ये फेमस है। अवध बिहार भी कहा जाता है, अवध चौराहा भी कहा जाता है इसको। अब हम लोग पहुँच गए हैं मोहान वाली रोड पे, जो हम लोग बुद्ध सुरंग मंदिर का दर्शन करेंगे। ये रास्ता चौक, मेडिकल कॉलेज, हजरतगंज, नखास और ऐसबाग, शहादतगंज, राजाजीपुरम की ओर जाता है। अब हम लोग मंदिर की ओर एंट्री करेंगे इसी रास्ते के द्वारा। अब आप देखते रहिए, ये मंदिर है, ये मेन गेट है यहाँ का बुद्ध सुरंग मंदिर का। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप भी देखते जाइए, ये वीडियो कितनी ही रोमांचक बनती जा रही है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और मंदिर के दर्शन करिए। ये है मेन गेट बुद्धेश्वर मंदिर का।
बुद्धे सुरंग का मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु बड़ी आस्था से इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन के महीने में बहुत ही भीड़ होता है। आज बुद्ध का दिन है, इसलिए सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से भोलेनाथ का दर्शन मैं करा रहा हूँ और सभी लोग इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। इसी के साथ ये वीडियो का समापन होता है। और बुद्धे सुरंग का अगर दर्शन करने के लिए दूसरा भी एक रास्ता है, जो राजा जी पुरम होते हुए आलम नगर होते हुए मोहान की ओर बढ़ता है, वहाँ पर भी रास्ता जाता है जो बुद्धे सुरंग का दर्शन कराता है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वीडियो दिखाया, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।